20 साल पहले का गुजरात, 20 साल पहले के नरेंद्र मोदी। आपने क्या पर्सनल हाइजीन पर ध्यान केंद्रित कर हमारी स्वच्छता एक जवाबदारी हो, जन भागीदारी की सफाई, निर्मल गुजरात बनावरो संकल्प कर। 20 साल पहले का एक संकल्प, 20 साल पहले की शपथ। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से स्वच्छता को उन्होंने आदत बनाया और आदत को आंदोलन। गुजरात ने देखा नदियों को साफ होते हुए, घर घर में शौचालय बनते हुए, देखा गंदगी को हारते हुए, स्वास्थ्य को जीतते हुए। 2014 फिर देश को मिला नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, तब का निर्मल गुजरात बना अब का स्वच्छ भारत मिशन। तब का शहरी विकास बना आज का अमृत। पद बदला इरादा नहीं, स्थल बदला नियत नहीं, नियत ने नीति का स्थान लिया। 7 साल तक देश के सार्वजनिक स्थानों की काया पलट करने के बाद आज एक बार फिर ये मिशन तैयार है। आइए करें स्वागत। अब हमें सैचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है, 100% का मूड बना के चलना। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। इस विस्तार के मूल में होंगे सामान्य लोग, जिसका उद्देश्य होगा कचरा मुक्त शहरों की बढ़त, और इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी समूची और सतत स्वच्छता, जो संभव होगी दूषित जल के सतत और प्रभावी प्रबंधन से, जिससे दूषित जल नदी नाले और तालाब में नहीं जाएगा और होगा उसका पुनः प्रयोग। लगभग 14,000 एकड़ क्षेत्र में सालों से पड़े करीब 15 करोड़ टन पुराने कचरा स्थलों का होगा निपटान, और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने पर होगा जोर। सभी शहरी स्थानीय निकायों में मटेरियल रिकवरी द्वारा ठोस अपशिष्ट होगा रिसाइकल। किसी निर्माण या तोड़फोड़ से निकले कचरे का भी होगा प्रभावी प्रबंधन। स्वच्छता के साथ साफ पानी हर घर तक पहुंचे, ये लक्ष्य भी पाना था 20 साल पहले के सूखाग्रस्त गुजरात में। ये संभव कर दिखलाना था, नर्मदा को सूखे सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुंचाकर राज्य में दिखाया था अपना दृढ़ निश्चय। भूगर्भ जल स्तर को 2 मीटर बढ़ाया, लाखों चेक डैम और खेत तालाब बनवाकर किया जल संचय। देश का पहला लेक फ्रंट और रिवर फ्रंट भी इनकी सोच से हुए साकार। राज्य में बढ़ी शहरीकरण और हरियाली की एक साथ रफ्तार। BRTS जैसी योजना जिससे जनता हुई हर्षित, राष्ट्र का भी ऐसे ही करना था पथ प्रदर्शित। इसी सोच के साथ 2015 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था अमृत मिशन, यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मिशन ने 500 शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की क्षमताओं का किया है विस्तार। आजादी के अमृतोत्सव पर यह मिशन फिर से है तैयार, अमृत 2.0 के तौर पर। इसका लक्ष्य है 4,700 स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना, साथ ही ये 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा। ये बनाएगा सभी शहरों को जल भराव से मुक्त और जल निकायों को किया जाएगा जीवित। उपचारित सीवेज का पुनः होगा उपयोग और जल निकायों के लिए वाटर बैलेंस नहीं रहेगा सीमित। जल के समान वितरण के लिए शहरों में होगा पेयजल सर्वेक्षण। NRSC के माध्यम से शहरी जल सूचना प्रणाली विकसित कर एक्विफर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तैयार। प्राइवेट और निजी सेक्टर का होगा क्षमता निर्माण, इसमें स्टार्टअप को भी बनाया जाएगा साझेदार। साथ ही महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर डिजिटल यानी GIG अर्थव्यवस्था पर दिया जाएगा बल। इन दोनों योजनाओं के विस्तार से होगा क्षमता निर्माण, स्थानीय निकाय होंगे लाभान्वित, और इस पूरी तरह कागज रहित मिशन से मिलेगा आंकड़ों पर आधारित प्रशासन।
प्रधानमंत्री की 20 साल की सतत सोच और प्रयासों और इन योजनाओं के विस्तार से शहरी इलाके होंगे कचरे से मुक्त और साथ ही होंगे जल संरक्षित भी, जिससे होगा निर्माण एक नए भारत का।